हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 को फिर से प्रोसीड कर रहे हैं, जिसमें हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 तक देख चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है क्या, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू टू कॉमा फोर्टीन, मतलब 2 और 14 से पास करते हुए दो इक्वेशन का हमको लाइन, दो लाइंस का हमको इक्वेशन फाइंड करने बोल रहा है। तो हाउ मैनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई, बोल रहा है क्या इस, बोल रहा है हाउ मैनी मोर सच लाइन, और इस तरह के कितने लाइन हो सकते हैं, इस तरह के कितने लाइन हो सकते हैं और क्यों क्यों हो सकते हैं, कैसे मतलब क्यों, इसका रीजन बताना हमको। और बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखी, दो रेखाओं का हमको समीकरण लिखा बोल रहा है। अब बोल रहा है फिर से कि इसी प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों, ये हमको बोल रहा है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, देखें भारत 2, 14 से होते पास होते हुए हमको लाइन का इक्वेशन फाइंड करना बोल रहा है। जैसे मान लीजिए एक ये तब का है, यहाँ मान लीजिए 2 है, ये 1 है, यहाँ पर मान लीजिए आपका ये 14 है, तो ये आपका 2, 14 आपका यहाँ पर होगा। तो इस पॉइंट से होते हुए, इस पॉइंट से होते हुए उस लाइन कितना लाइन हो सकता है, कितना लाइन हो सकता है पास करते हुए, तो इस पॉइंट से होते हुए कितना भी लाइन हो सकता है, इन्फिनाइट लाइन हो सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर उसका इक्वेशन क्या होगा। ये मेरे पास x का वैल्यू दिया हुआ है, ये मेरे पास y का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए x और y को हम ऐड करते हैं तो कितना मिलेगा, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा। x और y को अगर हम ऐड करते हैं, x को और y को हम ऐड करते हैं तो हमको मिलेगा 14 + 2 यानी 16। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, मतलब एक इक्वेशन मिल गया। इस तरह को बोलेगा कि इन दोनों को माइनस कर देते हैं, एक्स माइनस वाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमको, एक्स माइनस वाई करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 2 - 14 कितना मिलेगा, -12। इस तरह ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। हमको दो इक्वेशन पूछा था, दो इक्वेशन हो गया। इस तरह बोल रहा है और कितने इक्वेशन हो सकता है, तो इस तरह हम लोग बहुत सारे इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इस तरह एक्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड करते हैं वाई को, तो क्या मिलेगा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बनेगा, ये 4, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिलेगा 4 + 14 कितना हो जाएगा, ये आपका 18 हो जाएगा आपका। इस तरह आपको फिर से आपका पूछते हैं क्या, 2 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और फिर माइनस कर देना किसको, y से, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा और माइनस कर रहे हैं किससे, 14 से, तो क्या मिलेगा हमको -10, तो ये -10 हो गया। इस तरह और भी बहुत सारे क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे 2 से इसको मल्टीप्लाई किया अब 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो इसको अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं हम तो 7x हो गया, 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7x हो गया, और इसको प्लस कर रहे हैं y से, ये y से प्लस कर रहे हैं तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 14 हो जाएगा, और प्लस कर रहे हैं 14 तो कितना मिलेगा, ये 28। इस तरह फिर 7 से मल्टीप्लाई करके फिर से उसको माइनस करते अगर हम 7x - y करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई कर रहे तो 2, 7 को मल्टीप्लाई कर रहे 2 से तो 14 हो गया, फिर माइनस कर रहे हैं किसको, y से, तो कितना मिल जाएगा, ये 14 - 14 0 मिल जाएगा। इस तरह वाई से x में मल्टीप्लाई किए हम, इस तरह y भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x को कुछ नहीं कर रहे, आप x को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 को 2 छोड़ दिए और प्लस इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से तो 2 × 14 कितना मिल जाएगा हमको, 14 × 2 = 28 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 30। मतलब क्या कर रहे हैं, x को x रहने दे रहे हैं, x को कुछ नहीं कर रहे हैं और प्लस कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको, y को, 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं y से, तो मुझसे कितना मिल रहा है, 30। और मेरे पास जो इक्वेशन मिल रहा है कितना मिल रहा है, इन्फिनाइट मिल रहा है, बहुत सारा मिल सकता है। तो इसलिए आप बोल देंगे क्या कि देयर आर इन्फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 14, मतलब 2, 14 से पास करते हुए लाइन जो होगा कितना होगा, बहुत सारा हो सकता है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स हो सकते हैं। ठीक, हिंदी में लिखेंगे कि 2, 14 से होकर
जाने वाली अनंत रेखाएं हो सकती है। और इसका रीजन क्या हो गया, ये आपका रीजन हो गया, इस तरह से आपका रीजन हो गया। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या होता है, इफ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, इतना मतलब इस इक्वेशन ये किसी का ग्राफ है, ये ग्राफ का इक्वेशन है, मान लीजिए तो आपका क्या है ग्राफ है, और इस ग्राफ का इक्वेशन ये वाला ये है 3y = ax + 7, और जो ये ग्राफ का जो पॉइंट, ये पॉइंट जो है 3, 4 वो इसी ग्राफ पर लाइ कर रहा है, इसी ग्राफ पर कहीं पर लाइ कर रहा है, 3, 4 मान लीजिए कहीं पर यहीं पर लाइ कर रहा है, तो इस पॉइंट पर लाइ कर रहा है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, इस पॉइंट का करेगा वो सेटिस्फाई करेगा। अब सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू दिया हुआ है, ये y का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमसे पूछ रहा क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, इस a का वैल्यू हमको फाइंड करने बोल रहा है, मतलब वो दिया हुआ क्या है 3y = ax + 7, और मेरे पास x का वैल्यू दिया हुआ है 3 और y का वैल्यू दिया हुआ है मेरे पास 4, इसको हम लोग पुट कर देंगे, यहाँ से 3 × y का वैल्यू 4 = a × x का वैल्यू 3 + 7, यहाँ से हो गया 12 = 3a + 7, इस 7 को इधर लाते हैं तो 12 माइनस प्लस में 7 इधर का हो गया -7 = 3a, यहाँ सबका हो जाएगा 5 = 3a, यानी a = हो जाएगा 5/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या बोल रहे हैं, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज, एक नगर में एक टैक्सी सिटी में जो टैक्सी का जो किराया है वो इस प्रकार है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर मतलब पहला किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है द फेयर इज 8 रुपया, मतलब एक किलोमीटर का जो भाड़ा है कितना है 8 रुपया, एंड द फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस जो बचता है डिस्टेंस उसका जो भाड़ा है वो कितना है RS 5 per kilometer, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड इज x किलोमीटर, जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना किया x किलोमीटर, और उसको टोटल भाड़ा कितना लगा y रुपया लगा। तो बोलता है इसको राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन को हमको लीनियर इक्वेशन में क्या करना है, इसको लिखना है हमको, मतलब ax + by + c = 0 के फॉर्म में हमको इसको लिखना है, एंड ड्रो इट्स ग्राफ, इसका ग्राफ भी ड्रॉ करने बोल रहा है। हिंदी में देखिए, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है, और उसके बाद की दूरी के लिए किलोमीटर का किराया 5 रुपया है, और तय की दूरी x किलोमीटर है, कुल जो तय किया वो दूरी x किलोमीटर है, और कुल किराया उसको y रुपया लगा, तो इसका एक रेखीय समीकरण लिखने बोल रहा है इस तरह, और उसका आलेख भी खींचने बोल रहा है, मतलब ग्राफ खींचने बोल रहा है। तो सबसे पहले इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं लोग कि क्या बोलना चाह रहा है ये, जैसे मान लीजिए आपको एक प्लेस यहाँ पर है, एक प्लेस यहाँ पर, यहाँ से आपको यहाँ जाना है, और यहाँ से यहाँ जाना के लिए आपको ये 7 किलोमीटर आपका है, ये जो ये डिस्टेंस है इसका कितना है 7 किलोमीटर है दूरी यहाँ से यहाँ से। अब आपको एक ऑटो वाला है जो आपको भाड़ा इस तरह इसमें जिस तरह बताया गया उस तरह लगेगा, तो एक मान लीजिए यहाँ 7 किलोमीटर है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 किलोमीटर हो गया। अब 7 किलोमीटर का जो 1 किलोमीटर का जो भाड़ा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो भाड़ा है वो लेगा कितना 8 रुपया करके, कितना लेगा वो 8 रुपया करके, मतलब 1 किलोमीटर का भाड़ा 8 रुपया लेगा, और जो बचा है, बचा कितना किलोमीटर है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 4 5 6 किलोमीटर बचा, तो 6 किलोमीटर का भाड़ा वो कितना लेगा 5 रुपया करके लेगा, 5 रुपया करके, मतलब यहाँ 5 रुपया लेगा, इसका भी 5 रुपया लेगा, इसका भी 5 रुपया, इसका भी 5 रुपया, इसका भी 5 रुपया, इसका 5 रुपया, दैट मीन्स ये हो गया कि 1 किलोमीटर का जो भाड़ा ले रहा है वो 8 रुपया ले रहा है, और प्लस जब ये जो किलोमीटर जो भाड़ा लेगा, ये भाड़ा पर लेगा, वो दोनों का इतना प्लस इतना दोनों जोड़ के लेगा, तो ये 1 किलोमीटर का भाड़ा 8 रुपया लिया, और 7 किलोमीटर उसको जाना था, तो 1 किलोमीटर वो चल उसका भाड़ा ले लिया, तो कितना बचा उसका 6 किलोमीटर। अब 6 किलोमीटर का भाड़ा कितना लेगा, वो 6 किलोमीटर का भाड़ा वो लेगा 5 रुपये करके, 5 रुपये करके, तो उसको कितना मिल जाएगा 8 + 6 = 30, मतलब वो टोटल भाड़ा उसको लेगा 38 रुपया लेगा, कितना लेगा 38 रुपया। यहाँ भी वो कुछ ऐसी है,
जो कुल डिस्टेंस है उनको दिया हुआ है, डिस्टेंस जो है एक्स है और जो टोटल फेयर है, टोटल जो फेयर है भाड़ा जो है कितना है मेरे पास वाई रुपया है। तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल फेयर कितना मेरे पास वाई रुपया, तो वाई लिखेंगे यहाँ पर। और एक किलोमीटर का भाड़ा मेरे पास कितना लेता है 8 रुपया करके, एक किलोमीटर का भाड़ा कितना लेता है 8 रुपया, प्लस मेरे पास कितना किलोमीटर जाना है एक्स किलोमीटर, तो एक्स किलोमीटर में से हम एक किलोमीटर का भाड़ा दे चुके हैं 8 रुपये करके, तो मेरे पास कितना किलोमीटर बचा, जैसे मान लीजिए 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर में से हम 1 किलोमीटर का भाड़ा दे चुके हैं, तो मेरे पास कितना बचा, एक घटा देंगे तो कितना मिलेगा 4। तो यहाँ पर भी कम करेंगे, एक्स किलोमीटर मेरे पास था तो उसमें से हम 1 किलोमीटर का भाड़ा दे दिए हैं, तो मेरे पास कितना बचा एक्स माइनस वन, एक कम, तो एक्स माइनस वन किलोमीटर का भाड़ा जो है इसका पैसा कैसे रुपये लगेगा 5 रुपया पर किलोमीटर करके। अब इसको सोल्व कर देंगे, 1 किलोमीटर का भाड़ा 8 रुपया लिया और जो बच्चा कितना बच्चा एक्स माइनस वन किलोमीटर इसका भाड़ा वो 5 रुपये करके लेगा। अब सोल्व करेंगे तो 8 वन जा 8 प्लस 5x को मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 5 वन जा 5, यहाँ से y इज इक्वल टू हो गया 8, 5x का 5 लिख देते हैं पहले और 8 में से 5 गया तो प्लस 3 बच गया, ये आपका क्या हो गया लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हमको क्या करना है ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं तीन सोल्यूशन पहले फाइंड करते हैं। तो मान लीजिए हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना होगा 5 × 0 + 3, दैट मीन्स 5 × 0 कितना हो गया 0 + 3 मतलब 3। फिर x इक्वल टू मान लीजिए आप हम वहाँ पर -1 रखते हैं तो -1 रखेंगे तो 5 यहाँ y इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 × x की जगह हमें -1 + 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 × 5 - 5 + 3, तो यहाँ पर हो गया -2। इसका टेबल बनाएंगे अगर हम एक्स वाई, 0 रखे तो मेरे पास 3 आया, 0 रखे तो मेरे पास 3 आया, एक्स का वैल्यू 1 रखे तो मेरे पास 8 आया और एक्स का वैल्यू -1 रखे तो मेरे पास -2 आया। अब इसका क्या करना है ग्राफ ड्रॉ करना है। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, 0 में 3 एक्स में 0 यहाँ पर है और वाई में 3 यहाँ पर है, एंड ये आपका हो गया 0 3, एक्स में 1 वाई में 8, एक्स में 1 वाई में 8 यहाँ पर है तो आपका हो गया 1 में 8, एक्स में -1 तो वाई में -2, एक्स में -1 और वाई में -2 ये आपका हो गया इस पॉइंट पर, ये आपका हो गया -1 - 2, इसको मिला देंगे हम लोग। अब हम पढ़े थे कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है मतलब एक सीधा रेखा होता है। ये किस ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू आपका ये ग्राफ हो गया आपका इसका 5x + 3 का, y इज इक्वल टू 5x + 3 का, ये आपका इसका फाइनल आंसर हो गया ठीक।